नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज मैं एक बहुत ही ख़ास फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं खास इस मायने में कि ये फ़ोन जितने का है उससे बहुत कम प्राइस में मिला है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन उसके पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अभी अभी मुझे रिसीव हुआ हालाँकि मैं फ्रंट कैमरे से इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आपको हो सकता है कि ये उल्टा पढ़ने में आए यह है नाजो ट्वेंटी ए जिसकी मार्केट प्राइज़ है दस और ये मेरे को मिला है आठ हज़ार पाँच सौ रुपये का कैसे आठ हज़ार पाँच सौ में ही मिला है उसके पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको मेरे पास असल में सारी व्यवस्था है नहीं टेबल है तो टाइपॉड नहीं है और कैमरा को लगाने के लिए जगह नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी में इसको बना रहा हूँ ऐसे ही बेड पे बैठ के तो काम की बात हो जाएगी अभी कैमरे को मैं नीचे करूँगा ना तो ये जो हमारी जो बेड शीट है उसका कलर रेड है तो उस पर आपको समझ में नहीं आएगा इसको हम निकालते हैं उसके पहले यहाँ पे एक सील लगी हुई है इस सील को हमें यहाँ पे कट करना होगा स्नैपड्रैगन छः सौ प्रोसेसर है गेमिंग के लिए मस्त है चार जी बी एक सौ चौंसठ सॉरी चार चौंसठ चार जी बी रैम है चौंसठ जी बी स्पेस है पाँच हज़ार एम एच की बैटरी है बारह मेगा पिक्सल का कैमरा है ट्रिपल कैमरा है और साढ़े छः इंच की मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन है ठीक है यार आठ हज़ार में क्या लोगे आप साढ़े आठ हज़ार में इस दुनिया में क्या मिलता है अभी जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये सैमसंग एम थर्टी वन है इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी सोलह हज़ार रुपये ठीक है तो उस लिहाज से तो बढ़िया है ब्रांड की बात छोड़ दें तो ये मिला है इसमें देखते हैं क्या है इसमें भी वारंटी कार्ड वगैरह है जो यूजलेस है एक खास चीज़ है इसके अंदर जो कि काम की हो सकती है वो है इजेक्टर पिन जिससे कि आप सिम ट्रे निकालते हैं और कुछ नहीं है और ये है फ़ोन फ़ोन निकालते हैं हमारा मेन आर्टिकल यही है फ़ोन तो उसके बाद पहले देखते हैं और क्या है डिब्बे में अब आपको भरोसा तो करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा क्योंकि अब पूरी तरह से डिब्बा आपको दिख नहीं पा रहा होगा इसमें एक चार्जर है ये चार्जर है आपका फाइव वाट का मेड इंडिया लिखा हुआ है और एक यू एस बी टू चार्जिंग केबल है मिनी यू एस बी टू एस बी और कुछ नहीं है डिब्बे के अंदर ये देखिए बिल्कुल खाली चार्जर और ये फ़ोन इस फ़ोन को अनपैक करते हैं इसको तो एम ही कर दूं तो ये है फ़ोन जी चार चौंसठ जैसा कि मैंने बताया रियल मी ना जो ट्वेंटी ए अभी दस हज़ार का फ़ोन साढ़े आठ हज़ार में कैसे भी बता दूं मैं आपको अभी जो ये फेस्टिव सीज़न का चल रहा है ना पे अमेजोन दोनों पे चल रहा है उसी में डिस्काउंट मिला मेरे को ये था दस हज़ार रुपये का और पंद्रह सौ रुपये का डिस्काउंट मिल गया मेरे को तो ये पचासी सौ का पड़ा अब बताइए हाँ पचासी सौ में मुझे अगर ये फ़ोन मिल गया चार चौंसठ तो क्या नुकसान क्या है इसको ऑन करते हैं अभी आप उल्टा दिख रहा होगा रियल में लिखा है इसका मैं रिव्यू वीडियो बना दूँगा अभी फ़िलहाल के लिए अनबॉक्सिंग ही मैं इसका जल्दी जल्दी जल बना दें मेरे पास तो फ़ोन था एक मेरे भाई के लिए चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था एक फ़ोन और मैंने ऑर्डर किया है पोको एम टू प्रो वो भी कल परसों में आएगा उसका भी करूँगा अनबॉक्सिंग रिव्यू अभी इसका देख लेते हैं ऑन हो रहा है ऑलरेडी मैं आ, रियल का फ़ोन मैंने यूज़ किया है तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस पता है बढ़िया है मतलब एकदम आप हमारे यहाँ कहते हैं ना एकदम रफली यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बैटरी पाँच हज़ार एम एच की है और प्रोसेसर चार और सबसे बड़ी बात है स्नैपड्रैगन है गेम वगैरह पबजी वगैरह फ्री फायर फ्री फायर हुआ या फिर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए तो इनफ है स्क्रीन साइज भी ठीक है साढ़े छः इंच की और अगर हम बॉडी की बात करें तो थोड़ी रिव्यू कर भी लेते हैं प्लास्टिक है तो प्लास्टिक तो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी है सोलह हज़ार का फ़ोन है सैमसंग का उसका मुझे उस प्लास्टिक से अच्छा ही प्लास्टिक लग रहा है इसमें एक डिजाइन नुमा बना हुआ है देखने में प्रीमियम लग रहा है वो तो एकदम थर्ड थर्ड क्लास का प्लास्टिक यूज़ किया है सैमसंग ने तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लग रहा है एक कैमरा यहाँ से ये जो है ना सेफ उठा हुआ है जब आप इसको टेबल पर फ्लैट रखेंगे तो ये आड़े आएगा मतलब इस्क्रेचेस आ सकते हैं तो कवर जरूरी है पहले तो रियल के साथ कवर मिलता था पहले मैंने लिया था सी नाइन लिया था समथिंग अभी इसके साथ कवर व नहीं मिला तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा अगर लेना होगा तो और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो अगर आप लेना चाहते हैं इस फ़ोन को इस प्राइज में तो तुरंत इस लिंक पर क्लिक कीजिए बाई कीजिए और अगर कुछ और जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो, तो कमेंट कीजिए मैं बताऊँगा अभी फ़िलहाल तो मेरे लिए भी नया है तो चलिए इसको हम कन्फ्यूगर वगैरह कर लेते हैं स्किप तो लो जी फ़ोन स्टार्ट कर दिया मैंने सब कुछ इसके स्किप करके स्टार्ट कर दिया मस्त है टच देख लेते हैं एक बार अब बन ही रहा है तो जितना रिकॉर्ड हो जाए हो जाए ठीक है मतलब पूरा तो क्या बोलूँ ऑलरेडी यूज किया है मैंने सैमसंग कोई दिक्कत नहीं है रियल मी में मतलब इस प्राइस में आपको क्या चाहिए बच्चे की जान तो लेंगे नहीं ना आप ठीक फ़ोन है यहाँ पे आपका आ, स्क्रीन ऑन ऑन ऑफ का बटन बना है राइट साइड में लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप डाउन का बना है यहाँ पे ट्रे है दोनों सिम पे फोर जी वगैरह चलता है कोई दिक्कत नहीं है नीचे चार्जिंग का पोर्ट है यहाँ माइक लगा हुआ है यहाँ चार्जिंग का है बीच में और यहाँ थ्री पॉइंट फाइव का जैक है ऊपर कुछ नहीं है बिल्ड क्वालिटी अच्छी है हाथ कैरी करने में भी ऐसा नहीं लग रहा कि स्लिप होकर गिर जाएगा और गोरीला एक मिनट इस पे ना मेरे ख्याल से मैं आपको कमेंट में लिख के बता दूंगा मेरे ख्याल से गोरिल्ला कोटिंग है इस पर गोरिल्ला थ्री का स्क्रीन प्रोटेक्सन है इस पर मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है डिब्बे तो नहीं लिखा है मैं देख लूँगा अगर होगा तो मैं यहाँ पे कमेंट में डाल दूँगा पिन कर दूँगा तो आप देख लीजिएगा और भी स्पेसिफिकेशन या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा अभी जो बॉक्स पर लिखा है वही मुझे पता चल रहा है और जो चीज़ें होंगी मैं लिख दूंगा क्योंकि मुझे एकदम बुरबली याद नहीं आ रहा है इसमें है आपका गूगल ऐप्स अरे गूगल तो होगा ही और कुल मिला जुला कर ठीक फ़ोन है भाई आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं अच्छा लग रहा है तो बता रहा हूँ ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा है और इसका मैंने सी नाइन यूज कर रहा हूँ वो मेरा दूसरा फ़ोन है बढ़िया चल रहा है दो साल होने को है कोई दिक्कत मेरे को नहीं है तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही अगर अच्छा लगा हो वीडियो लाइक शेयर करिएगा और अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक से जाकर बाई कर लीजिएगा मिलूँगा फिर अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड दोस्तों